रेलवे नेटवर्क दुनिया में परिवहन का सबसे पुराना माध्यम है। वास्तव में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस में रेलवे नेटवर्क का इतिहास शुरू हुआ था। पहले इसका उपयोग खुदाई के खानों में किया जाता था। भाप के इंजनों की शुरुआत के साथ वाणिज्यिक रेलवे शुरू किए गए और उन्होंने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद की। हालांकि रेलवे नेटवर्क का उपयोग दुनिया के सैकड़ों देशों में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जहाँ रेलवे परिवहन नहीं है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के उन्हीं देशों के बारे में जहाँ पर रेलवे प्रणाली नहीं है। एंडोरा। एंडोरा जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे छोटा और भूमि के हिसाब से 16वां सबसे छोटा देश है। टूलूज और लेटोर डे कैरोल को जोड़ने वाली फ्रांसीसी रेलवे के अलावा जो इस देश की सीमा के करीब लगभग 1.2 मील चलती है। एंडोरा में कभी भी रेलवे नेटवर्क नहीं था। निकटतम रेलवे स्टेशन फ्रांस में है जो एंडोरा ला वेला के लिए एक बस सेवा द्वारा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। भूटान। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित सबसे छोटे भूमि वाले देश में से एक है। भूटान का कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है, लेकिन भूटान के दक्षिणी हिस्सों को विशाल भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। भारत की योजना है कि नेपाल में 11 मील लंबे नेटवर्क का निर्माण किया जाए जो नेपाल में तोरी बारी को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा से जोड़ता है। साइप्राइज। वर्तमान में साइप्राइज का कोई परिचालन रेलवे नेटवर्क नहीं है, लेकिन देश में एक रेलवे नेटवर्क था जो 1905 से 1951 तक संचालित हुआ था। ट्रेन 39 स्टेशन के साथ 76 मील लंबी थी, लेकिन वित्तीय कारणों से यह बंद हो गई। लीबिया। पिछली सभी रेलवे लाइनों को ध्वस्त करने के बाद 1965 से लीबिया का परिचालन रेलवे नेटवर्क के साथ नहीं रहा है। लीबिया में निर्माणाधीन कई रेलवे नेटवर्क परियोजनाएं हैं। वास्तव में रास अजदीर और सिरते को जोड़ने वाली लाइन का निर्माण 2001 में शुरू हुआ। रास अजदीर से त्रिपोली तक की लाइन का विकास 2008 और 2009 में शुरू की गई। गिनी बिसाऊ। पश्चिम अफ्रीका में स्थित गिनी बिसाऊ उन अफ्रीकी देशों में से एक है जिनके पास कभी रेलवे नेटवर्क नहीं था। देश में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक परिवहन के रूप में जर्जर सड़कें और अन्य कस्बों में कच्ची सड़कों के माध्यम से है। गिनी बिसाऊ ने 1998 में पुर्तगाल के साथ देश में एक रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइसलैंड। हालांकि आइसलैंड में 3 रेलवे नेटवर्क है, लेकिन आइसलैंड का कोई भी सार्वजनिक रेलवे नेटवर्क नहीं है और इसका कारण ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, छोटी आबादी और कठोर पर्वतीय परिस्थितियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। 1900 के दशक की शुरुआत से रेलवे नेटवर्क के प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है। कुवैत। कुवैत एक तेल समृद्ध देश है जिसकी परिवहन व्यवस्था सड़कों पर बहुत अधिक है। वर्तमान में कुवैत में कोई रेलवे नहीं है, लेकिन कई रेलवे नेटवर्क परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। देश में 1200 मील की खाड़ी रेलवे नेटवर्क बनाने की योजना है जो कुवैत शहर से ओमान तक चलेगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।